हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल ओडिशा। तो आज सेशन रे आमे पॉलिटी रु स्टार्ट करिबा। ओके, तो एटा मोर पॉलिटी रा फर्स्ट क्लास एंड तो बेसिक रु स्टार्ट करिबा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नेचर एंड सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अछि पार्ट 1 इथि पई अछि कि आरो बहुत सारा क्वेश्चन अछि। तो सेति पई मु पार्ट 1 रे आपनकु 50 पाखा पाखी क्वेश्चन आन छै, पार्ट 2 रे भी 50 पाखा पाखी क्वेश्चन आपन पई नै आसीबी। ओके, सो एबे क्लास स्टार्ट करिबा। एंड क्लास स्टार्ट करिया पूर्व एज यूजुअल जेमति हमर पुरना पिला माने क्लास को लाइक और शेयर करंतु। एंड जो माने नुआ करी क्लास को आछन्ते से माने क्लास को माने डेली क्लासेस रो नोटिफिकेशन पई माने सब्सक्राइब बटन ने क्लिक करनु हेतु। ओके, ठीक अछि, त एबे मैं क्लास स्टार्ट करिबा। ओके, सो द क्लास रो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो देशर सर्वोच्च नियम कहिले कोन बुझो, बा देशर सर्वोच्च नियम कहा को कहा जाए। ऑप्शन 1 अछि इंडियन पेनल कोड, बी अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी अछि सिविल प्रोसीजर कोड, डी अछि क्रिमिनल प्रोसीजर। तो देशर सर्वोच्च नियम कहा को कहा जाए ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए। ठीक अछि, आउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ, राइट, कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। तो भारत संविधान कहा द्वारा गठन कराइला, प्लानिंग कमिशन द्वारा ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा ना प्रेसिडेंट द्वारा ना वर्किंग कमिटी द्वारा। मन रखिबे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा आमर प्लानिंग कमिशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा जायतिला। ठीक अछि, देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। तो भारतीय संविधान केबे ग्रहण करा जायतिला, ग्रहण केबे करा जायतिला पचरा हिची। तो आंसर के दे जो 26 नवंबर 1949, राइट, 1949 रे कोन करथिला हमर अडॉप्ट करा जायतिला। बट क्वेश्चन अछि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। अडॉप्ट करा जायतिला 26 नवंबर 1949 रे, बट केम इनटू फोर्स जेके भारतीय संविधान कार्यकारी केबे हला ना 26 जनवरी 1950। जना थिबो त आपण मानकु 26 जनवरी 1950 रे कोन हला संविधान आमर कार्यकारी हला। ठीक अछि, ओके, नेक्स्ट, January 26 सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। तो January 26 को आमर जो जो संविधान उद्घाटन तारीख पे मनोनीत करा दिला, कारण कोन पे करा गला। तो फर्स्ट ऑप्शन अच्छी इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे, बी अच्छी ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942, ऑप्शन सी अच्छी द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे 1930, एंड डी अच्छी नन ऑफ दिस। तो कौन हम, तो आम जमी जानसे कौन है कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे 1930, राइट। तो कौन होता December 31 1929 रे, तो December 31, 1929 रे कौन होता जो रिजोल्यूशन पास करा जाइला आमर कौन पूर्ण स्वराज दिवस पई, पूर्ण स्वराज पई के 1930 January 26 को कौन हम इंडिपेंडेंस डे आमर जो ऑब्जर्व करने मन अच्छे कि नहीं, इंडिपेंडेंस डे भाव जो आम ऑब्जर्व करने कौन कराई जनवरी जो December 31, 1929 कौन कर मिडनाइट सब सिले मैंने रिजोल्यूशन पास होगा। टोटाली समस्ते कौन करते भाभी कि 1930 January 26 रे ही आमर स्वाधीनता दिवस पालन हो समस्ते भाभी। कौ सेशन ने लाहौर सेशन रे, लाहौर सेशन। ओके, बट सेटा तो हो पारानी, तो से कौन गला January 26 को आमर कौन करा गला ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन डे भाव सॉरी माने कॉन्स्टिट्यूशन इनॉग्रेशन पई से तारीख को मनोनीत करा गला। ठीक अछि, ओके, देन नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन। तो भारत संविधान दिवस केबे पालन करा जाय माने केबे करा जाय ना, तो बहुत तो भारत संविधान दिवस केबे पालन कर जाए 26 जनवरी अच्छी, 23 जून अच्छी, 15 अगस्त अच्छी, एंड 26 नवंबर अच्छी। ताले केबे पालन कर जाए ना 26 नवंबर। ठीक अच्छे, आज यूजुअल जमी मुझे बुझे देची आपन को थ्योरीटा आ क्वेश्चन 5 रे बुझे ना, तो से ही अनुसार ही कौन आम 26 नवंबर को कौन कराए कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से पालन करा जाए। ठीक अच्छे, नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन। तो भारत मूल संविधानटा केउठारे प्रकाशित होइतिला, केउठारे प्रकाशित होइतिला
ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ବି ଅଛି ଶ୍ରୀନଗର, ସି ଅଛି ଅଜମେର, ଡି ଅଛି ଡେରାଡୁନ୍। ତ ମନେ ରଖିବେ ଡେରାଡୁନ୍ରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଡେରାଡୁନ୍ରେ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ନା 5 ଇୟର୍ସ ଲାଗିଥିଲା। ଓକେ, 5 ଇୟର୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି 40,000, ବି ଅଛି 60,000, ସି ଅଛି 80,000, ଡି ଅଛି 120,000। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? ତ ଯେତେ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ? 80,000। ଓକେ, 80,000। ବଟ୍ ବେସିକ୍ରୁ କେତେ କ'ଣ ଥିଲା? ବେସିକ୍ରୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର 395 ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଥିଲା, 22 parts ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ 8 ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ଏବେ ନାଓ ସେଇଟା କେତେ ଅଛି? 448 ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି, 25 parts ଆଣ୍ଡ 12 ଶିଡ୍ୟୁଲ୍, ରାଇଟ୍? ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ବଟ୍ ଏବେ କେତେ ଅଛି? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କେତେ ଅଛି? 1,17,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ବେସିକାଲି କେତେ ହେଇଥିଲା? 80,000 ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଟେନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି ସୋଭରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ? କେଉଁ ଦେଶର? ତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ରିଟର୍ନ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତ ଅରିଜିନାଲି କେତେ କ'ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି, 395 ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଥିଲା, 22 parts ଆଉ 8 ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା ଅରିଜିନାଲରୁ। ବଟ୍ ଏବେ ଅଛି 448 ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, 25 parts ଆଣ୍ଡ 12 ଶିଡ୍ୟୁଲ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ମେକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ୟୁଏସ୍ଏ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା? ୟେସ୍, କିଏ ଥିଲା? ନା ୟୁଏସ୍ଏ ଥିଲା। ଓକେ, କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜୁନ୍, ତାଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜୁନ୍ 21, 1788। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଦ ଅରିଜିନାଲ 1950 କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍। ତ ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଆମର 1950, ତ କେଉଁଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ବି ଅଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାଉସ୍, ସି ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଡି ଅଛି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସମ୍ବିଧାନଟା ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ନା? ସମ୍ବିଧାନଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ରୋଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଭାଷାରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ, ବି ଅଛି ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ, ସି ଅଛି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଡି ଅଛି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ତାହେଲେ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ। କେବଳ ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟା କେବଳ କେଉଁ ଭାଷା ଲେଖା ଅଛି? ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? ଜାତୀୟ ପତାକାର ଆମର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ସେଇଟା କ'ଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ମାନେ ତା'ର କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ସ୍ପିଡ୍, ବି ଅଛି ଟ୍ରୁଥ୍, ସି ଅଛି ଗ୍ରୋଥ୍, ଆଣ୍ଡ ଡି ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍। କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଟ୍ରୁଥ୍କୁ, ସତ୍ୟ। ଓକେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ୱାର୍ଡନେସ୍। ଓକେ, ଟ୍ରୁଥ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ୱାର୍ଡନେସ୍କୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋକ୍ଡ ୱେଲ୍। ତ କେତେଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଅର? 24 ଅର ନା? 24 ଅର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିନାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଅଛି ଆର୍ କେ ଷଣ୍ମୁଖୀ ଚେତି, ବି ଅଛି ଲିକତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ, ସି ଅଛି ଜନ୍ ମଥାଇ, ଆଣ୍ଡ ଡି ଅଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିହ୍ନା। ତ କିଏ ଥିଲେ? ଆର୍ କେ ଷଣ୍ମୁଖ ଚେତି। ଓକେ, ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଷଣ୍ମୁଖ ଚେତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ,
ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଅନ୍ 26th November 1949 ଦ ଡେ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା 26th November ତ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଯେମିତିକି ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ କେତେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 5, 6, 7, 8, 9, ଦେନ୍ 60, 34, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 93। ଓକେ, ଏତିକି ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଛି? 388 ଅଛି କି? ୟେସ୍ ଅଛି, ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 388। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 388 ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, 390 ନାହିଁ, 387 ନାହିଁ, 386 ନାହିଁ, କେବଳ 388 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ୟାଦ୍ କରିନେବେ, ଏତିକିଟା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକମ୍ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୋଭରେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍? ତ ଭାରତ କେବେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା? 26 January 1949, 26 November 1951, ଦେନ୍ 26 November 1930, 26 November 1949। ତ ଆମର କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେବେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ସେବେ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ? ଯେଉଁ 26 November 1949। ଓକେ, ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଅ ନନ୍ ରିଟନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅଣଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି? ଅଣଲିଖିତ ମାନେ ନନ୍ ରିଟନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଟା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି USA, ବି ଅଛି UK, ସି ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଡି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ। USA, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସବୁ ରିଟନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ବଟ୍ ଆମର UKଟା ଅନ୍ରିଟନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ମନେକର ଆଉ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ? ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ, ସବୁର କ'ଣ? ଅନ୍ରିଟନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ୟୁନିଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାୱାର୍ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍। ତ ସରକାରଙ୍କ ଏକତ ରୂପ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷମତା ହାତରେ କନ୍ତ୍ରୀଭୁକ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ପାୱାରଟା କାହା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, କାହା ହାତରେ ଥାଏ? ମାନେ ଏ ଅଛି ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବି ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସି ଅଛି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଡି ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାର କ'ଣ ଥାଏ ସେଇଟା ନା କାହା ହାତରେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ହିଁ କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଓକେ, ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ଅ ଫିଚର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ତ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ଏହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତ କେଉଁ ସରକାର ରୂପକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ତ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜମ୍ଟା କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ନା ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ, ନା ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ଯେଉଁଟା ସଂଘୀୟ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାୱାରଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିଅନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ୟୁନିଅନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ମାନେ ପାୱାର ମାନେ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ, ଦ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁଡିସିଆରୀ ଆର୍ ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ। ତ କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଦୁଇଟା କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ନା ଫେଡେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ନା ୟୁନିଟାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ କାହାର? ଏବେ ତ କହିଲି, ତ କ'ଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଉ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଥାଏ ଆମର କ'ଣ ଫେଡେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥାଏ, ଫେଡେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ଦ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍? ତ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି? ତ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର କ'ଣ ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜେନ୍, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ନାହିଁ,
तो जमी ड्यूअल सिटीजनशिप कौटी अच्छी यूएसए मानकर अच्छी यूएसए रे दुटा सिटीजनशिप अच्छी जमी मनकर गोटे लॉस एंजेल्स रो जन जन जदि लोक होइथिबो आइदर लॉस एंजेल्स रो भी तार माने थिबो माने आई कार्ड माने आइडेंटिफिकेशन भी सेतर थिबो जो माने से सेठर भी इतिल तो गोटे थिबो एंड यूएसए रो भी गोटे थिबो तो ताकु ही ड्यूअल सिटीजनशिप बोली गुहा जाय ठीक अछि तो आमर कौन हम ड्यूअल सिटीजनशिप वैशिष्ट तेल कौन ऑप्शन अच्छी यूनिटरी गवर्नमेंट बी अच्छे फेडरल गवर्नमेंट सी अच्छे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड डी अच्छे प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट तेल कौन हो आंसर फेडरल गवर्नमेंट ओके ठीक अच्छे देन नेक्स्ट द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो शासन एकक व्यवस्थार लाभ कौन ऑप्शन ए अच्छी मोर एडप्टेबिलिटी बी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेट सी अच्छी मोर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल और डी अच्छी लेस चांस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म तो शासन व्यवस्था को व्यवस्था एक माने यूनिटरी सिस्टम टा कहले कौन ना स्ट्रॉन्ग स्टेट माने एकाठी जो जिन स्ट्रॉन्ग बोली कह जाए ना तो यूनिटरी सिस्टम आंसर कहीं ना आमर स्ट्रॉन्ग स्टेट क्रिएट कर गवर्नेंस रो ठीक अच्छे ओके देन नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत को संविधान रे केउ रूप रे वर्णन करा जाय छी और यूनियन स्टेट ना सेमी फेडरल ना फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज एंड पार्शियली यूनिटरी एंड पार्शियली फेडरल तो भारत को आम यूनियन स्टेट बोली कहा जाए आर्टिकल वन पार्ट वन रो आर्टिकल वन मन अच्छे ना आर्टिकल वन ही भारत को आम कौन भारत जो आमर कहा जाए इंडिया इज अ यूनियन स्टेट बोली कहा जाए इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट कहुचे ना आर्टिकल वन रे है तो भारत को क्यों कह यूनियन स्टेट भाव में दर्शा जाए ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इमानक मध्यरु भारतीय संविधान कोटा सॉरी भारतीय विधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी तो विधानसभा लिखा है भारतीय संविधान वैशिष्ट नुह तो ऑप्शन ए अच्छी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बी अच्छी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सी अच्छी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डी अच्छी फेडरल गवर्नमेंट तो कौटा भारतीय संविधान कौटा वैशिष्ट नुह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना आम प्रेसिडेंशियल शासन कौट अच्छी ऑब्वियस देशर सर्वोच्च शासनगत प्रेसिडेंट बट सब कौन पावर एक्चुअली एक्जाक्टली क्या पाखे थाए प्राइम मिनिस्टर मतलब एक्जिक्यूटिव पावर जिते जदि भी आम प्रेसिडेंट हेड था बट सबकि पावर एक्जिक्यूटिव पावर वेस्टेड ऑन कहार जिते सब था सब प्राइम मिनिस्टर हाथ में ही कौन न्यस्त थाए ओके तो आम कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौटा वैशिष्ट ना प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आम इंडिया चलुनी ओके नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले कौन गोटे फेडरल ना क्वासी फेडरल ना यूनिटरी ना प्रेसिडेंशियल तो भारतीय संविधान हूँ आम कौन क्वासी फेडरल ओके ओके देन नेक्स्ट क्वासी फेडरल कहले कौन जो स्टेट आउ जो सेंटर भितर पावर को सेपारेसन हाँ को बट कौन कर स्टेट रिच भी जदि कम किसी भी से कम कले सेंटर जमा भी इंटरफेयर करनी तर तो ही फेडरल स्टेट बोली कह जाए ठीक अच्छे बट आउ किसी फिल्ड अच्छे जमी तार नेशनल इमरजेन्सी है से टाइम कौन हम जमी तो सेंट्रल तार ये करना पावर टा से कर तो नेशनल इमरजेन्सी टाइम सेंटर कौन कै स्टेट कौन कर इंटरफेयर कै कि भी कम बट अदरवैज अन्य टाइम टाइम किसी भी दुज पावर ता पावर अलग आ पावर अलग तो दुज के विषय एंटरफेयर करती दैट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल स्टेट ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिनेबल एट्रीब्यूट टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट संसदीय शासन व्यवस्थार गुण मध्य निम्नतम क्योंटी ऑप्शन ए अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी अच्छी फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सी अच्छी जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड बी डी अच्छी पार्लियामेंट्री सोवरेंट तो कौटा हम संसदीय शासन व्यवस्था कौटा नुह
तो ऑप्शन हो कौन आम फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके पार्लियामेंट सिस्टम रे आमर कौन थे ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बहुत दुजन भितर कौन पार्लियामेंट सिस्टम रे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दुजन क्लोज रिलेशनशिप थाए। ओके दुजन क्लोज रिलेशनशिप थाए आउ एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बोली याद रखिए एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके नेक्स्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट तो गणतांत्रिक समाजवादर लक्ष्य कौन bringing about socialism through peaceful means, bringing about socialism through violent and peaceful means, bringing about socialism through violent means or bringing about socialism through democratic means। ताले कोड़ा हबा तो गणतांत्रिक उपाय रे ही समाजवाद आणिबाटा ही आमर लक्ष्य। ओके वायलेंट करिबा कि आमर अति शांतिपूर्ण उपाय रे आणिबा कि शांतिपूर्ण वायलेंट करिके आणिबा नाही सेमती किछि नाही गणतांत्रिक उपाय रे आणिबा। ओके नेक्स्ट Which of the following just made stated that secularism and federalism are the basic structure of the Indian constitution? तो इमानको मध्यरु केउं थेरे विचार कला कला जे भारतीय सम्माने धर्म निरपेक्षता आउ लेकिन कि मु फेडरलजी संघीयता जोटा रहिला से दुटाक भारतीय संविधान रो मौलिक वैशिष्ट्य कौ केस रे कहा जाइतिला ऑप्शन अछि केशवानंद भारती केस बी अछि एस आर बोमाई रंजन केस सी अछि इंदिरा स्वामी केस एंड डी अछि मिनरवाला मिल केस तो कौथिरे कहा जाइतिला मन रखितंतु एस आर बोमाई केस रे कहा जाइतिला। ठीक अछि एस आर बोमाई केस रे बट याद रखिबे एस आर बोमाई जितेबेले आमर कोन थिला केशवानंद भारती केस हेतला केबे 1973 रे सेतेबेले बेसिक स्ट्रक्चर रो किछि माने आमर कांसेप्ट दिया जायतला केवल गिवन करा जायतला सुप्रीम कोर्ट केवल देइतला केशवानंद भारती केस रे बेसिक स्ट्रक्चर केवल देइतला बट तार किछि भी डिफाइन कर नथला कोन केमती बट आमर जितेबेले एस आर बोमाई केस जितेबेले हेला केते 1994 रे सेतेबेले आमर सेकुलारिज्म और फेडरलिज्म दुटाक कौन है से आड करके विषय में कनसेप्ट दिगला। ठीक अच्छे मन रखिए यहाँ। ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम तो गणतांत्रिक व्यवस्थापी निर्णत उत्पादन गुड़िक मध्य क्योंटी आवश्यक अटे तो ऑप्शन ए अच्छी फ्री एंड अनबायस्ड इलेक्शन बी अच्छी इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सी अच्छी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स डी अच्छी ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियसली गणतांत्रिक सिस्टम पर जेतु गणतांत्रिक शासन पर कौन तीन टाक दरकार फ्री आउ अनबायस्ड इलेक्शन दरकार समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी दरकार सबकि राइट प्रोटेक्शन भी दरकार तो ऑल ऑफ दिस अबव हम। ठीक है। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो निम्नलिखित देश गुड़े मध्य क्योंटी गोटे संघीय सरकार उपभोग करती ऑप्शन ए अच्छी चाइना बी अच्छी यूएसए सी अच्छी क्यूबा एंड डी अच्छी बेल्जियम तो किए संघीय सरकार किए करती ऑप्शन बी हो यूएसए। ओके जोटा ड्यूअल गवर्नमेंट हुए से फेडरल आ स्टेट मध्य। ठीक अच्छे इंडिया इज अ क्वासी फेडरल इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट इट्स अ क्वासी फेडरल। ओके द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल वाज मेड बाय गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल किए कहते यहाँ अब्राहम लिंकन कहते ना तो केतम प्रेसीडेट सी थे आमेरिकार 16th प्रेसीडेट थे। ओके 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक अच्छे नेक्स्ट द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द राष्ट्रपति सरकार नीति कहाँ ऊपर कार्य करती डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बैलेंस ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर तो कहाँ ऊपर करती प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कोड़ी राष्ट्रपति सरकार कौ नीति ऊपर करती सेपरेशन ऑफ पावर ऊपर। ओके जोटा सेपरेशन पावर कौन था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मध्य। ओके एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर मध्य। ठीक अच्छे
देन इन ए फेडराल गवर्नमेंट द स्टेट एनजीओ गोटे केन्द्र सरकार राज्य मैंने कौन कौन सब उपभोग ऑप्शन अच्छे ओरिजिनल पावर्स बी अच्छे पावर्स डेलीगेटेड बाय द सेंटर सी अच्छे पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और पावर गिवन बाय द पीपल कौटा हम तो केन्द्र सरकार राज्य मैंने सब कौन उपकरती जो पावरटा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गिवेन कर लोक मानक संविधान जो सब पावर दि जाटा को ही कौन कहुए गोटे जो फेडराल स्टेट मानक फेडराल गवर्नमेंट रे कौन स्टेट ताको एंजय करके नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इज सरकार कैबिनेट व्यवस्था सबुठार गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट कौन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वी आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉन और नॉन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कौटी क्या सहित से मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी था कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तो जिते सब हम तो मंत्री मैंने जो कैबिनेट मिनिस्टर था ना समस्त लोक मान पाखे दायी रुहत कि नहीं ठीक कि नहीं लोक मान दायी रुहत तो से कौन कर जो आमर कौन से हाँ तो पार्लियामेंट जिते सब कैबिनेट मिनिस्टर्स मैंने रही कौन हम कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी था ओके नेक्स्ट द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द राष्ट्रपति सरकार रे राष्ट्रपति थले कौन था इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ना डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर ना डिपेंड ऑन द जुडिशियरी ना बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर द राष्ट्रपति सरकार आमर तो राष्ट्रपति सरकार ना तले राष्ट्रपति सरकार जो अच्छे जो यूएसए हो कि स्विट्जरलैंड हो तो से कौन से कौन हुए तो से कौन हुए तो राष्ट्रपति ताले कौन मानने राष्ट्रपति कौन करती मानने कहाँ पर डिपेंडेंट था राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर था ओके नेक्स्ट पर्सन्स मे चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ तले व्यक्ति माने परिवर्तन हो पारे बट नियम नुह एटा कहार नीति एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या डी हूँ रिपब्लिक तले कोडा तो रूल चेंज हेनी देखिए रूल्स रूल शुड नॉट बी चेंज्ड कह दादा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ही हम ना सांविधानिक सरकार जोटा हम से कौन जो पर्सन चेंज हो पारे बट रूल्स चेंज हम ना ठीक अच्छे अ फेडराल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय द तो भारत जो फेडराल गठन कर स्ट्रक्चर फेडराल स्ट्रक्चरटा से केबे माने को आक्ट को नहीं आक्ट ऑफ 1909 आक्ट ऑफ 1919 आक्ट ऑफ 1935 एंड आक्ट ऑफ 1947 तो केबे हेतला आक्ट ऑफ 1935 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी आक्ट ऑफ 1935 रे हेतला तले को गवर्नमेंट एक्ट रे हाँ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 रे ही थिला ना से कथा कहू ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओके तो सेटा कौन होता ये आक्ट डिवाइडेड होता पावर क्या क्या मध्य होता सेंटर ऑफ प्रोविंस से प्रोविंसेस स्टेट आईला तो सेंटर ऑफ प्रोविंसेस मध्य कौन थी पावर टा डिवाइड होता लिस्ट तीन टा लिस्ट थी गोटे कनकर जो आमर थी कौन फेडराल लिस्ट थी देन आमर थी प्रोविन्सील लिस्ट थी एंड कनकरेन्ट लिस्ट थी ओके पावर टा सेंटर ऑफ प्रोविंस भितर से डिवाइड होता तीन टा लिस्ट थी गोटे फेडराल लिस्ट थी गोटे प्रोविन्सील लिस्ट थी और कनकरेन्ट लिस्ट थी कौ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे फेडराल स्ट्रक्चर ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी तो मध्य गोटे गणतंत्र विवर्चना बोली करा जाए ना तो क्यों स्टेट क्यों कंट्रीटा ऑप्शन ए अच्छी यूएसए बी अच्छी नॉर्वे सी अच्छी इंडिया डी अच्छी चाइना यूएसए नॉर्वे इंडिया सब डेमोक्रेसी जाए बट चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट्स अ इट्स बिलोंग फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी तो मैं सेना कम्युनिस्ट पार्टी आस कम्युनिस्ट पार्टी कहले कौन जो मानने जोटा जो पावरटा
କାହା ଭିତରେ ଥିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାତରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ ତ ତାଇ ଚାଇନାରେ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ ଜୋନୁଙ୍ଗ ବୋଲି ଚାଇନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମେନ୍ ଲିଡ଼ର କିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ବୁଝିଗଲା ତ ପାୱାରଟା କେବଳ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଭେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବ ଓକେ ଦ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍ ତ ନୀତି ଓ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ନିମିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଫାସିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସି ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡି ଅଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ ବିହେଭିଅର୍କୁ ନେଇକି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ ବିହେଭିଅର୍କୁ ନେଇକି ଡିଫରେନ୍ସଟା କେଉଁଥିରେ ରହିବ ମନେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଡ଼୍ ଥାନ୍ତି ହେଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼୍ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ଥାନ୍ତି ବଟ୍ ସବୁ ଅଲ୍ ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ସେଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ହେଲା ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼୍ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼୍ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ପାୱାର ସବୁ ଥାଏ କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ସବୁ ପାୱାର ଥାଏ ହେଲା କେବଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ହିସାବରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଅ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ନିମ୍ନତମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ଇଟ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ ସ୍ପିଡି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିସିସ୍ ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସବୁ କରନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ଏଇଠି ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଥାଏ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ତ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ ସ୍ପିଡି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଲିସିସ୍ ଦେନ୍ ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ଦ ପଲିସି ତ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି ଓକେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ସବୁ ଦେନ୍ ହ୍ୱିନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଜିମ୍ ବା ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1921ରେ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919ରେ ଯେଉଁଟା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରାଇଟ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 କେବେ ହେଇଥିଲା 1921ରେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଜି ଅଛି ଜି ଭି ମାବଲାଙ୍କର ସି ଅଛି ଭିତଲ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଉ ଡି ଅଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭିତଲ ଭାଇ ପଟେଲ ଓକେ ଭିତଲ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ କ'ଣ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ବଟ୍ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରିଏଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ଫେଡ୍ରିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଫେଡ୍ରିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ଥିଲେ ବିତଲ ଭାଇ ପଟେଲ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୋକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍
तो स्थानीय शासन व्यवस्था कहले कौन बुझ तो स्थानीय शासन व्यवस्था कौन माने लोकल गवर्नेंस कहले कौन ना आम देख मैंने आम देश में कौन हो रूट लेवल रू भी हो कि आम जिते भी सब मैंने मानने 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 पौर संस्था हो जहाँ भी किसी हो सहरांचल धरिक सब किसी लेवल पर्यटन तो जहाँ भी हो तो एक्जाक्टली पावर टा क्या पाखे रोच तो लोक मखे रोज तो लोक मैंने हिंसर भोट दे कि कौन कर निजर शासक मान को बाछुं तो ये हम सी हम कि कौन हम तो जीत लोक मान द्वारा ही ये सब पावर सब किसी मानने देशर मानने जो आमर शासनटा मानने क्रिएट करें कौन शासन कहे डेमोक्रासी को बुझाई थाए ठीक अच्छे ओके सॉवरेन पार्लियामेंट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ तो सार्वभौमत्व सांसद कहार अवदान अटे तो सॉवरेन पार्लियामेंटा कौटू आसी इंग्लैंड देची ना इंडिया ना फ्रांस ना जापान कि देची ना इंग्लैंड ओके सॉवरेन पार्लियामेंट कहार अवदान ना इंग्लैंड रो ओके नेक्स्ट ओके 50 क्वेश्चन हो गला ओके सो नेक्स्ट पार्ट रे मोर एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चंस नहीं आसीबी ठीक अच्छे ओके सो थैंक यू गाइज जो मैंने भी क्लास को एंडी पहुँचा देखले एंड क्लास रो कौन केमती लगे आप कमेंट सेक्शन रे टिके कमेंट दे कि भी कहले आम टी खुश लगे सो आपण मैंने कौन रेस्पन्स करूँ भल लगुच कि ना कौन केमती कहले आम से अनुसार निजी चेंज करूँ दैट कि हाँ ये भूल है से भूल है ठीक अच्छे ओके सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू अटेंड द क्लास एंड क्लास को लाइक और शेयर भी करनी ठीक अच्छे ओके थैंक यू गाइज थैंक यू।